नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के टमाटर के क्या बाजार चले, मंडी में टमाटर की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है, और अभी तक यहां जो माल है ना जी दोस्तों, लाडवा भी आ रहा, लाडवा यानी लाडवा दौर जो लोकल माल है, चारों तरफ बरसात हुई, सिर्फ हरियाणा में बरसात नहीं हुई जी। बारे हरियाणा में लाडवा रादौर यानी जिला यमुनानगर करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाला इनमें बरसात नहीं हुई, बाकी चारों तरफ बरसातें हो ली, दिल्ली के आसपास भी बरसात हुई। और कल मैं राजस्थान में था जी, बड़ी भयंकर बरसात हुई नीमराणा के आसपास, बहुत ज़्यादा भयंकर बरसात रात को। चलिए जानते हैं आज का कैसा बाजार चला, आज की कितनी गाड़ी है। विनय भाई साहब से नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा साहब, नमस्कार। विनय भाई साहब जी, क्या पोजीशन है जी गाड़ी है? पोजीशन भाजी ऊपर वाली कृपा से ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाजार के अंदर चमक है। जो टमाटर कल 550-600 तक बिका है। अच्छा जी, बेटा क्या मजाक कर रहा है, वो टमाटर आज 700 से लेकर 800 रुपए तक बिक गया, सुंदर नगर का टमाटर। यानी कल संडे को जो माल बिके थे जी, आज बाजार के अंदर 50 रुपए से लेकर 80 रुपए नक्के और तेजी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हेलो, एक मिनट। इसके अलावा भाई साहब लोकल माल कितना रहा जी? देखिए लोकल आज रात को 4-5 गाड़ी थी लाडवे की। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके अंदर भी जो लाडवे के टमाटर हाइब्रिड टमाटर है वो 700 रुपए तक बिके हैं, जबकि टमाटर हल्के थे, जाते जाते भी जाते जाते उनको रंग लग गया थोड़ा सा, माल हालांकि नहीं आया पर कोई बात नहीं, जिसके पास है आखिरी का बचा हुआ बिक रहा, लोकल में, हाँ लोकल में बिक रहा है। और यहाँ पर भी आई है गाड़ियाँ, 4-5 गाड़ियाँ आई है राणा साहब, 700 रुपए के आसपास जो है वो टमाटर बिका है। अभी बरसात नहीं हुई वहाँ पर, बरसात नहीं हुई है, यही एक कारण है। आज भी बारिश नहीं है, अभी मेरी बात हुई है, आज भी नहीं हुई है। और देसी टमाटर उनका 800 रुपए तक बिक गया है। ये हिमसोना जी ऐसे, हिमसोना टमाटर लाडवे का जो तार बांस का बढ़िया 800 रुपए तक बिक गया है, बिल्कुल 800 रुपए तक बिक गया है। अच्छा, और जो हाइब्रिड टमाटर है वो 700 तक बिक गया है, जबकि टमाटर हल्के हैं, पर गाड़ियां टाइम से लग गई थी तो बिक गया वो। अच्छा, इसके अलावा देखिए मार्केट के अंदर सुंदरनगर की रिपोर्ट, 80% मार्केट के अंदर आपको जो हाइब्रिड टमाटर नजर आएगा, हाँ जी, वो सुंदर नगर का नजर आएगा। अच्छा जी, जो क्रीम टमाटर है नंबर वन टमाटर है वो 800 रुपए की रेंज का बिका है, और जो नॉर्मल टमाटर है वो 700 से लेकर 750 की रेंज के बिके हैं। सुंदरनगर, ये सुंदरनगर की गाड़ी उतर रही है। अच्छा, आप हल्का सा दर्शकों को दिखा दीजिए, ये माल है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये माल है। बरसात कैसी है जी वहाँ पर? बारिश हो रही है, तो किसानों से बात हुई है, कह रहे हैं हर 2-3 घंटे 4 घंटे बारिश हुई है। अच्छा, रात को होती है फिर रुक जाती है। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि लगातार 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बारिश हो गई हो, वो परिस्थिति नहीं है। अच्छा जी, 2-3 घंटे 4 घंटे बारिश हो रही है जी, उसके अलावा बारिश नहीं हो रही है। अगर 2-3 घंटे 4 घंटे होती भी है ना, तो उससे टमाटर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इनका जो देसी आता है अपना देसी टमाटर नहीं, अपना सुंदरनगर, सुंदरनगर का जो देसी टमाटर है वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बिका है। वाह जी वाह, क्योंकि देसी की डिमांड ज्यादा है। अच्छा, इसके कंपैरिजन। अच्छा, और जो सिलाई का टमाटर आ रहा है, पहाड़ों का टमाटर जो सा आ रहा है, वो भी 900 से लेकर 1100 रुपए की रेंज का अच्छा टमाटर आज की रेट में सिलाई निर्वा चौपाल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए की रेंज का वो भी टमाटर आज की बढ़िया वाला बिका है। जो अच्छे टमाटर है, हाइट के टमाटर है, पहाड़ों के टमाटर है, बहुत फाइन क्वालिटी, 1100 तक वो टमाटर बिके हैं। और जो कई किसान वो 32-32 किलो तक माल लोड कर भाजी, उन टमाटर की पोजीशन 1250 तक की है। अच्छा, जो 32-33 किलो जो आपने एक बार मैंने आपके चैनल पे देखा था बंधु भाई के पास, शायद उन्होंने बताया था, बत्ती बत्ती कह रहे 35-35 किलो तक टमाटर होता है। अच्छा, तो वो टमाटर की रेंज और हैवी है। अच्छा जी, जो वो प्लेट लगा, हाँ वो थोड़े कम ही है मार्केट के अंदर माल, वो बोले वो गिने चुने तो, किसानों को ये नियमों का ऊपर प्लेट का है, वो कहते कि हमारा जो है नाम भाई साहब जी, जिसका माल जाता है गांव में चर्चा होती है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेट हो जाता है, मार्केट का रेट पहुंच जाता है कि इस भाव का टमाटर पहुंच गया, इस भाव तक का टमाटर का रेट हो गया। ठीक है, ओवरऑल मार्केट के अंदर परिस्थिति बाजार की तेजी की है, और ऊपर वाले ने चाहा तो पूरा हफ्ता बाजार आपको मंदा नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि बेंगलोर में भी पोजीशन टाइट है, नारायणगांव भी पोजीशन टाइट है, पूरे महाराष्ट्र में पोजीशन टाइट है। अच्छा जी, तो बाजार की परिस्थिति मंदे की कोई भी नहीं है, किसान भाई को जो है तसल्ली से टमाटर को तोड़े, कोई ऐसी घबराहट नहीं है। सुंदरनगर के पहाड़ों के जितने भी टमाटर आ रहे हैं, बाजार पोजीशन पूरी टाइट रहेगी, यानी तोड़ के बेचने में भलाई है जो पक गया। हाँ, टमाटर को अपने तोड़ते रहे, अच्छे टमाटर तोड़ते रहे, समय पर टमाटर को तोड़ते रहे, बाजार की परिस्थिति जब तक बेंगलोर का टमाटर एक्सेस में नहीं निकलेगा, हाँ जी, तब तक बाजार मंदा नहीं होगा। अच्छा, ये हमेशा ध्यान कर लीजिएगा, चाहे वो हफ्ता लगे चाहे वो एक महीना लगे। और जो लोकल जहाँ खत्म हो या फिर ये थोड़ा बहुत और जंप मारे, लोकल से अब इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा राणा साहब, लोकल 80 क्या 90% खत्म हो चुका है।
अच्छा जी 90-95% खत्म हो चुका है। इस टाइम पे सिर्फ सुंदरनगर का और पहाड़ों का टमाटर है। अच्छा, मार्केट के अंदर इसके अलावा कोई टमाटर नहीं है। अच्छा, जब तक बेंगलोर का टमाटर बढ़ेगा नहीं तब तक बाजार बंदर नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लोडर है वो सब सुंदरनगर में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, आज सुंदरनगर का ही रिपोर्ट 700 से 750 सुनने में आ रही है, वही की वही पे जगह पे। हम यहाँ पर 700 से 800 टमाटर बेच रहे हैं। हाँ जी। और जगह भी 700 साढ़े 700 की रिपोर्टें सुनने में आ रही है, जो बढ़िया माल खरीद के बाहर पहुंचा रहे जी वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज किसान जो है, अभी किसानों से बात हुई है, कह रहे हैं 700 रुपए का टमाटर हमारा जगह पे मांगा जा रहा है। अच्छा जी, तो बाजार कहाँ से बंदा हो जाएगा। ठीक है जी, कह रहे कल गाड़ियां नहीं पूरी हो पाई है, तो ऊपर वाले ने चाह कल बाजार और चटकेगा, ऊपर और चमक रहेगी। तो आपके यहाँ जो भी माल भी गिरा सारा बोली में है जी बस, ये टमाटर बोली पे ही बिकता है सारा का सारा। अच्छा, और सुंदरनगर का टमाटर ऐसे बिकता है। अच्छा, क्योंकि वो बड़े बड़े लाड होते हैं, 100 का 150 का 200 का। और जैसे किसान आते हैं इनका पर्चा पैसे क्रेट, बिल्कुल हाथ की हाथ पेमेंट होती है, हाथ की हाथ पर्चे बन जाते हैं, सेम डे पेमेंट है। सुंदरनगर के कई हमारे प्यारे किसान है जो हमारे से पैसे नहीं मांगते, वो कहते हैं भाजी जब जैसे हो वैसे दे देना, तो वो प्यार साथ बाद में साफ होता है। हाँ बाद में साफ होता है, वो चलते रहते हैं, जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ती है वो लेते रहते हैं। अच्छा, वो प्यार मोहब्बत वाली बात है, वैसे जब चाहिए जब चाहिए तब मिल जाएंगे। वैसे पेमेंट हमारी सेम डे है, आपका माल आज आएगा और आपको सेम डे पेमेंट मिल जाएगी, जो किसान को अगर कोई माल भेजना हो। और क्रेटे भी तुरंत, क्रेटे भी तुरंत, पेमेंट भी तुरंत, सेम डे। ठीक है जी, जी धन्यवाद भाई साहब जी, धन्यवाद राणा साहब। और मोबाइल नंबर जी 98-111-078-40, 9811-07-8400, विनय नाम है, अशोक कुमार सुभाष चंद्र, D1334, न्यू जातपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राणा साहब।